जब से एयरटेल और जियो और वीआई ने रिचार्ज बढ़ाया है, बीएसएनएल का तो भाव ही बढ़ गया। और इसके अलावा बीएसएनएल ने भी बहुत अच्छे अच्छे प्लान निकाला है, तो आज वही सारे मैं प्लान डिस्कस करने वाला हूँ। सारे प्लान तो नहीं, लेकिन जो पॉपुलर प्लान है जो सभी लोग रिचार्ज करवा रहे हैं, वो मैं जो आपको इम्पोर्टेंट प्लान है वो बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और उन सारे प्लान में से तीन मैंने ऐसे प्लान चूज किया है जो आपको चूज करने में और भी आसानी होगी। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। 97 रुपीज का जो कि 15 दिन का ये प्लान है, जो अनलिमिटेड कॉल है और 2 GB डेटा पर डे है। उसके बाद जो दूसरा अनलिमिटेड प्लान है वो है 147 रुपीज का, जो कि टोटल 10 GB डेटा है लेकिन अनलिमिटेड कॉलिंग है और ये 30 दिनों के लिए है। उसके बाद 185 रुपीज का, जो कि इसका भी अनलिमिटेड कॉलिंग है एंड इसका 1 GB पर डे डेटा है एंड 28 दिन के लिए है। ये एक 185 का, 186 का एंड 187 का है। सब प्लान सेम है, लेकिन फर्क ये है कि इसके अलावा कुछ गेम्स है, कुछ बीएसएनएल के सर्विसेज है, इसलिए 1-1 रुपया बढ़ा दिया सबका। देखो, जो भी पॉपुलर पैक है वो सभी नहीं बता रहा हूँ, जो अनलिमिटेड वाले बस वही बता रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा एक मुझे बहुत सही प्लान लगा है, 198 रुपीज का है, जो कि अगर आपको सिर्फ नेट चलाना है तो 40 दिनों के लिए, जो कि 2 GB पर डे मिलेगा आपको डेटा। तो ये एक है जो कि आप चला सकते हो, लेकिन इसके अंदर कॉलिंग कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जो एक अनलिमिटेड में आता है 228 रुपीज का और एक 239 रुपीज का, ये दोनों का जो प्लान सेम है, यानी कि 2 GB पर डे डेटा है और ये 1 महीने के लिए है। लेकिन ये फ़र्क इसलिए है 10-12 रुपये का, क्योंकि बीएसएनएल का वही कुछ सर्विसेज है इंटरटेनमेंट या गेम्स वगैरह के लिए है। उसके अलावा इसका जो अगला पैक है वो 269 रुपीज का, जो कि 28 दिनों के लिए है और 2 GB डेटा आपको पर डे मिलेगा। लेकिन इसके अंदर पैसे इसलिए ज़्यादा लग रहा है, वही बीएसएनएल का सर्विसेज, कुछ गेम खेलने, कुछ इंटरटेनमेंट है। अब देखो, ये तो हो गए 1 महीने वाले जो भी प्लान था। आप शुरू करते हैं जो 1 साल का प्लान है, जो 70 दिनों का प्लान है, जो 6 महीने का प्लान है, वो वाले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 1 साल वाले प्लान को लेकर। तो ये आता है 2399 रुपीज का, जो कि अनलिमिटेड कॉलिंग है और 2 GB डेटा आपको पर डे मिलेगा और ये है 395 दिनों के लिए, यानी 1 साल से भी ज़्यादा आपको ये प्लान है जो मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा प्लान है। अगर उसके बाद दूसरा आता है 1999 रुपये का, जो कि अनलिमिटेड कॉलिंग है और यह 1 साल के लिए, यानी 365 दिनों के लिए और आपको 600 GB डेटा मिलेगा, यानी ये डायरेक्ट आपको 600 GB डेटा दे दिया जाएगा। आप चाहे तुम एक दिन में इस्तेमाल कर लो या फिर आप पूरा 1 साल में इस्तेमाल करो। अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करें तो लगभग ये 1.5 GB पर डे डेटा आपको भी पड़ेगा। एंड देन इसके अलावा एक पड़ता है 999 रुपये का, जो कि अनलिमिटेड कॉलिंग सिर्फ है और ये 215 दिनों के लिए है, लेकिन इसके अंदर डेटा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। एंड देन इसके बाद आता है एक 297 रुपये का, जो कि अनलिमिटेड कॉलिंग है एंड इसके अलावा 2 GB पर डे आपको डेटा मिलेगा, लेकिन यह 160 दिनों के लिए। और दूसरा आता है 699 रुपये का, जो कि अनलिमिटेड कॉलिंग है और लेकिन इसके अंदर 500 MB आपको पर डे डेटा मिलेगा और यह 150 दिनों के लिए, या उनके लिए जो सिर्फ ज्यादा कॉल करना चाहते हैं और थोड़ा बहुत इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो अगला प्लान है वो 666 रुपये का है, जो कि अनलिमिटेड कॉलिंग 105 दिनों के लिए है एंड 2 GB पर डे डेटा आपको मिलेगा एंड इसके अलावा 3 GB और एक्स्ट्रा डेटा आपको दिया जाएगा। एंड इसके अलावा फिर उसके बाद है 499 रुपीज का, जो कि अनलिमिटेड कॉलिंग है एंड 2 GB पर डे डेटा है एंड इसके अंदर भी एक्स्ट्रा 3 GB और दिया जाएगा और ये 75 दिनों के लिए है, 75 डेज के लिए। और इसके अलावा जो नेक्स्ट प्लान है वो 70 डेज के लिए है, जो कि 399 रुपये का अनलिमिटेड कॉलिंग है और 1 GB पर डे डेटा आपको दिया जाएगा। तो ये सारे प्लान था जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब जो मेरे 3 फेवरेट बेस्ट प्लान है इन सभी में, और एक चीज़ और बता दूँ, जैसे मैंने बोला है कि ये पूरा पॉपुलर प्लान नहीं है, मैंने इसका जो एक पूरा एक प्लान का फोटो खींच के मैंने लिंक दे दिया, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। जो मेरे 3 फेवरेट प्लान है, पहला जो प्लान है बहुत ही छोटा है बट मेरा फेवरेट है, 15 दिनों वाला, जो कि 97 रुपीज़ का, 2 GB पर डे डेटा। इसके अलावा जो दूसरा प्लान है वो 499 रुपीज़ वाला प्लान है, वो भी बहुत अच्छा प्लान है। और तीसरा एनुअल प्लान, जो कि 2399 रुपये वाला, जो 395 दिनों के लिए, लगभग 400 दिनों के लिए प्लान है, वो भी बहुत ही अच्छा प्लान है। तो ये मैंने जो 3 फेवरेट प्लान थे जो मैंने आपको इन पॉपुलर प्लान में से आपको बताया, इनमें से ज़्यादा कोई भी चूज कर सकते हो। इसके अलावा जो भी प्लान था वो भी सही था, आपको मैंने बता दिया, आप अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट सूट करता है, जिस टाइप का आप इस्तेमाल करते हो, जो भी नेट। तो ये सारी चीज़ थी जो मैंने आपको बता दिया। और भी अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और ऐसे वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।